बरहरवा साहिबगंज जिला में इन दिनों अवैध लॉटरी टिकट का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। हालांकि इन अवैध लॉटरी टिकट कारोबारियों के विरुद्ध प्रशासन समय समय पर अपना अभियान चलाकर कार्रवाई करती आ रही। इसके बावजूद भी अवैध लॉटरी टिकट का कारोबार थम नहीं रहा। इसी कड़ी में रविवार को साहिबगंज SP के निर्देश पर बरहरवा पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने खुद अपने अनुमंडल क्षेत्र में अभियान चलाकर बरहरवा के फुटानी मोड़ से एक लॉटरी विक्रेता पश्चिम बंगाल के फरक्का थाना क्षेत्र अंतर्गत गोराईपाड़ा निवासी जियाउल शेख पिता खलील शेख को गुप्त सूचना के आधार पर अवैध लॉटरी टिकट के साथ धर दबोचा। वहीं बरहरवा इंस्पेक्टर त्रियोगी नारायण झा ने भी बरहेट थाना क्षेत्र से एक लॉटरी विक्रेता को धर दबोचा। इधर रविवार की रात्रि पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बरहरवा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। SDPO मिश्रा ने कहा कि हजारों रुपए के अवैध लॉटरी टिकट के साथ पकड़ाए गए दोनों कारोबारियों के पास से लगभग 35,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पकड़ाए गए दो अवैध लॉटरी टिकट कारोबारियों को जेल भेजा जाएगा। किसी भी कीमत में अवैध लॉटरी टिकट का कारोबार क्षेत्र में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। अभियान में बरहरवा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के साथ बरहरवा के अन्य ASI व पुलिस बल मौजूद थे। P3 न्यूज झारखंड के लिए साहिबगंज के बरहरवा से प्रसन्नजीत कुमार अमन की रिपोर्ट। साहिबगंज के निर्देशानुसार अवैध लॉटरी टिकट के बिक्री पर एक समकालीन अभियान चलाया गया, जिसमें बरहरवा थाना के फुटानी मोड़ के पास जियाउल शेख पिता खलील शेख ग्राम घोराईपाड़ा थाना बरहरवा को फुटानी मोड़ से लॉटरी के 5,000 रुपये की समतुल्य राशि के साथ में और 9,000 रुपया नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरा बरहेट थाना में सुबल दत्ता सनाब मंटू दत्ता लॉटरी के टिकट के साथ में 24,000 रुपये मूल्य के टिकट समतुल्य बरामद हुआ है। आज का रिपोर्ट और 24,000 कैश भी।